फ्रेंड्स, मैं तोहिद अंसारी, ADS चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं अपने किचन में हूँ आज और मैं बनाने जा रहा हूँ दही का बूंदी वाला रायता। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है दही का बूंदी का दही वाला रायता। तो आइए दोस्तों, करते हैं सब स्टार्ट और देखते हैं कैसे कैसे बनता है और कैसा बनता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, रायते को बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा रायता पानी में भिगा के रख देते हैं। ठीक है, तो ये रायता बूंदी है, ये बूंदी को हम थोड़े पानी में भिगा के रख देते हैं। कितना ही लेना है देखिए, ये मैंने जितना लिया है उतना बूंदी ले लेना है और इसको पानी में थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए रख देना है। देखिए, ये पानी मिला के मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये थोड़ी देर तक ये भीगता रहेगा जब तक ये फूल जाए। और हमें थोड़ा दही ले लेना है, तो मैंने ये मार्केट से दही लाया हूँ, वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं इसमें निकाल देता हूँ। और ये दही मैं इसको इसमें डाल देता हूँ दोस्तों, और इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे हम। आज पहली बार ट्राई कर रहे हैं दही का रायता बनाते हैं, इसको देखते हैं कैसा बनता है। अब इसमें हम पानी मिला देंगे दोस्तों। ये पानी मिक्स कर दिया, इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, तो दो प्याज मैं काट देता हूँ फटाफट। ऐसे बारीक प्याज काट लेना है दोस्तों। दूसरा चाकू लेना पड़ता है, दूसरा चाकू भी नहीं, इसे अभी काट देते हैं। देखते हैं कैसा बनता है दही का रायता। प्याज, एक और प्याज काट देते हैं ताकि सही हो जाए। उल्टा चला रहा था, कहाँ से कटेगा दोस्तों, सही चल रहा है चाकू तो मैं उल्टा चला रहा था, मैं समझा चाकू ही नहीं चल रहा है, पर चाकू की गलती नहीं, चाकू तो सही, मैं उसको उल्टा चला रहा था। और ये खराब वाला हिस्सा निकाल के साइड में फेंक देते हैं। हमारी प्याज कट के रेडी हो गई है दोस्तों, इसको हम डाल देते अभी इस दही के अंदर। ये दही में हम प्याज डाल देते, देखिए ये पूरा प्याज इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं एक बार। तो इसमें अब हम सारे मसाले मिला देते हैं। तो थोड़ा लाल मिर्च, अपने स्वाद के हिसाब से आप डाल लेना, और थोड़ा पिसा हुआ जीरा, ज़्यादा नहीं डालना है, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। और इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। देखिए, थोड़ा पानी और डाल देते हैं इसमें ताकि ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। और अभी इसमें नमक डालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अच्छे से मिला लो एकदम सही तरीके से। और इसमें अब हम नमक डाल देते हैं थोड़ा। आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। नमक ऐड कर दिया और एक बार इसको मिक्स कर लेता हूँ। नमक थोड़ा और डालना पड़ेगा दोस्तों, तो फीका है। और थोड़े मसाले इसमें मिला देते हैं। मेरे को मसाले कम लग रहे थे, थोड़ा और मसाला मिला देता हूँ। और मेरी चम्मच अंदर चली गई, बड़ी चम्मच लेनी पड़ेगी लगता है।
उसके अंदर ही डूब गई पूरी। अब कलर आ रहा है दोस्तों उसमें, देखिए। अब दोस्तों जो हमने ये बूंदी भिगा के रखी थी, देखिए इसको हम इसको ऐड कर लेंगे और पानी सब निकाल लेंगे, और पानी निकाल के इसमें बूंदी ऐड करते जाएंगे, सारी बूंदी इसमें ऐड कर देनी है। पानी को फेंक देना है, तो इसको अच्छे से आप मिला लीजिए। दोस्तों पहली बार बना रहा हूं तो देखते हैं कैसा बनता है अभी। एक्चुअली ये बन चुका है, अब इसमें आप अगर तड़का लगाना चाहते हो तो तड़का लगा सकते हो, और अगर तड़का नहीं लगाना है तो ऐसे भी इसको खा सकते हो, आप सर्व कर सकते हो। तो अपने इसको तड़का लगा देते हैं दोस्तों। तो इसमें मैं तड़का लगाने के लिए एक पैन ले लेता हूँ, और इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। ये सरसों का तेल डाल दिया, और थोड़ा इसमें जीरा लगा देते हैं, तो थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। गैस को कर लेते हैं ऑन, और इसको इस पर गरम कर लेते हैं। और हमारा तड़का हो गया एकदम सही। देखिए दोस्तों इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद इसमें डालेंगे करेंगे तो दही फट जाएगा। इसको ठंडा हो जाने देते हैं, एक बार थोड़ा ठंडा हो जाता है उसके बाद इसको ऐड करते हैं अंदर, और इसको अब हम डाल देते हैं इसमें। और थोड़ा सा अब इस पर आप धनिया डाल दीजिए दोस्तों। ऐसे, और इसको फिर अब मिक्स कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों अपना बूंदी का रायता बनके एकदम रेडी है, और अगर आपको धनिया कम लग रहा है तो धनिया और भी आप ऐड कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।